में आपको कहा गया डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स, ठीक है। फंक्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है आपका एक्स साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। तो ये एक साइन जो है, अगर हमारे पास मान लीजिए साइन एक्स लिखा होता, तो साइन एक्स का मतलब होता है कि साइन इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है, साइन इज नॉट द फंक्शन ऑफ एक्स, साइन इज ए फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। जो साइन है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव का फंक्शन है, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन, मतलब ये खुद एक फंक्शन है जिसका ये फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे एक चेन है, जो आउटर फंक्शन आपका है वो साइन है, और जो इनर फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव है, और एक्स स्क्वायर प्लस फाइव इटसेल्फ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये चेन है आपकी, आउटर फंक्शन साइन एक्स है, और जो इनर फंक्शन है जो एक्स का फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव को यू एज्यूम कर लेंगे। तो लिखेंगे लेट यू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, ठीक है। तब साइन क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस फाइव आपका यू हो गया, तो ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ यू। सपोज इसे हम लेट कर लेते हैं वाई इक्वल्स टू दिस वन लेट, ठीक है। तो वाई हो गया आपका साइन ऑफ u, और वेयर u इज फंक्शन ऑफ x, तो u हमारा डमी वेरिएबल हो गया, ठीक है। कोई इसकी जगह पे v एज्यूम कर सकता है, कोई t एज्यूम कर सकता है, कोई w एज्यूम कर सकता है, p एज्यूम कर सकता है, कुछ भी ले सकता है। वो डमी वेरिएबल हर स्टूडेंट का अपना अलग हो सकता है या आइडेंटिकल हो सकता है, ठीक है, वो हमारे आंसर का पार्ट नहीं होगा। अब चूंकि y u का फंक्शन है, तो हम इसे u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू यू, तो क्या हो जाएगा आपका, डी बाई डी यू ऑफ वाई इक्वल्स टू डी बाई डी यू ऑफ साइन ऑफ यू। और साइन यू तो आपका स्टैंडर्ड डिफ्रेंसिएशन है, साइन का कितना होता है कॉस ऑफ यू। अच्छा ये ध्यान रखिए कि जो फाइनल आपका डी वाई बाई डी यू आ रहा है, या डी वाई बाई जो भी आप डिफ्रेंशिएट करते हो, वहाँ पे डमी वेरिएबल आंसर में नहीं आना चाहिए, ठीक है। आप वहीं पे हो सके तो रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे u हमारा क्या था, u है x स्क्वायर प्लस फाइव, यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉस ऑफ x स्क्वायर प्लस फाइव से dy बाई डी यू हो गया, सपोज दैट इज द रिजल्ट नंबर वन। नाउ u चूंकि x का फंक्शन है, तो इसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ u दैट इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। अब यहां पे क्या हो जाएगा आपका, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लग जाएगा, एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है। तो दैट इज टू एक्स टू माइनस वन, और फाइव चूंकि कॉन्स्टेंट नंबर है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा। तो फाइनली आपका आ गया 2x की पावर 1, तो सिंपली 2x लिखेंगे, दैट इज डी यू बाई डी एक्स। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना था डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, सिंस डी वाई बाई डी एक्स, या उधर बता देते हैं, सिंस डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू dy by du into du by dx। तो जितने भी आपकी चेन बनी है आप सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां दो चेन बनी थी, दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। dy by du फर्स्ट इक्वेशन से आपका कितना आया है, दैट इज cos ऑफ x स्क्वायर प्लस फाइव, और du by dx सेकेंड इक्वेशन से आपका 2x है, ठीक है। तो क्या 2x इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये कॉस के अंदर है, ठीक है, और ये बाहर है, तो ये कॉस से मल्टीप्लाई होगा, ना कि एक्स स्क्वायर प्लस फाइव से मल्टीप्लाई होगा। तो 2x को हम पहले लिख लेते हैं ताकि वो कंफ्यूजन ना बना रहे। तो 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव दैट इज योर फाइनल आंसर dy बाई dx, ठीक है। तो ये सिंपल आपका चेन रूल है,
जब फंक्शन ऑफ फंक्शन हो तो आप क्या लगाते हो, चेन रूल। ये तो हो गया आपका आउटर फंक्शन, इनर फंक्शन को आप एज्यूम करते चले गए। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हमें डायरेक्ट करना हो, ठीक है, तो डायरेक्ट के लिए क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ रिकॉग्नाइज करते हैं हम लोग कि आउटर फंक्शन क्या है और आउटर फंक्शन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो यहां पे पहले रिकॉग्नाइज करते हैं चेन, कि वो चेन क्या है आउटर टू इनर। तो सबसे पहले क्या आपका है, साइन है, एंड इनर फंक्शन इसके क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव है। और एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, जैसे साइन जो है ये एक्स स्क्वायर प्लस फाइव का फंक्शन था, और एक्स स्क्वायर प्लस फाइव इट सेल्फ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये चेन है, दैट इज आउटर फंक्शन एंड दैट विल बी द इनर फंक्शन, ठीक है। तो आप जब डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करोगे से डीवाई बाई डी एक्स, तो आप इसे डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जब आप बड़े क्वेश्चंस करोगे तो आपको वहां पे डायरेक्ट ही करना पड़ेगा, वहां पे यू वी टी एज्यूम नहीं करेंगे, अदरवाइज वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट करने की आदत डालनी पड़ेगी। देखिए हम कैसे कर रहे हैं, इस चीज को आप थोड़ा सीखिए। तो हमने कहा कि साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, ठीक है। लेकिन साइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, लेकिन साइन का कॉस लिखेंगे, लेकिन यहां पे साइन एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव है। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन तो कॉस हो गया, लेकिन जो भी साइन के अंदर था वही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, ठीक है। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन हमने सिर्फ किया है, ठीक है, वो विथ रिस्पेक्ट टू एक्चुअली एक्स स्क्वायर प्लस फाइव है, प्लस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 5 का हो जाएगा प्लस 0। तो प्लस 0 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये चीज क्या हो जाएगी आपकी, फाइनली दैट इज डायरेक्टली दो स्टेप में आ गया, ठीक है, 2x टाइम्स कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, दैट इज योर डीवाई बाई डी एक्स। तो ये आपको तरीका अपनाना पड़ेगा बड़े क्वेश्चंस में करने के लिए। और जो हमने पहले बताया था वो सिंपल तरीका था, आपको जो रूल दिया गया है, ठीक है, लेकिन वो हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि दीज आर द इंटरमीडिएट स्टेप्स।